हेलो गाइस, आप कैसे हैं? ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि आजकल मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको त्रिभुज बताया था, तो शिफा बताएंगे कि त्रिभुज होता क्या है। तीन गुड, तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद त्रिभुज में तीन लाइनें होती हैं, तीनों लाइनों के नाम होते हैं जो है, कौन कौन से नाम होते हैं? नाम, एक कड़ होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। यहां तक तो मैंने आपको बताया था। अगर ये त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा त्रिभुज, ए बी एंड सी। उबैद, ये एंगल बी जो है वो कौन सा शो कर रहा है? कौन सा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज आएगा? समकोण त्रिभुज। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। ये समकोण त्रिभुज है। डे स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज होता है तो उसके सामने की रेखा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसके बाद मैंने तीन फार्मूले आपको बताए थे, ख्याल कीजिएगा। तो जो है बताएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक। सफिया, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। गुड। और जुनैरा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने समलन किया था। एक जो मैं स्पेशल बात इसमें बताने वाला था कि अगर कोई चीज है, इसमें देखिए ए बी सी, ये हो गया, ये तो हो गया आपका कर्ण, कंफर्म है। ठीक। अब इसमें दो चीजें होती, इसको हम लोग लंब मानते हैं और इसको क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। अगर हम बी सी, बी सी को अगर हम पूछते हैं एंगल सी बराबर, एंगल सी अगर लेते हैं, अगर पूछ लेते हैं एंगल सी के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब जैसे पूछते हैं साइन सी, सी बराबर, साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा? लंब आपका ये हो जाएगा ए बी, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। गुड। अगर हमने ये पूछ लिया कि साइन ए बराबर, तो लंब किसका भी फॉर्मूला हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। लेकिन इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? ये बी सी, बी सी अपान ए सी। डियर स्टूडेंट, मैं सिर्फ एक, देखिए मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री तो सब पढ़ाता है, लेकिन मेरा क्या काम है? जो विशेष चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीज को, उसको केयर करना है। मतलब क्या कि अगर एंगल सी लेते हैं, क्योंकि ए सी जो कर्ण होता है, कर्ण माना जाता है, और बी जो हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। अगर साइन सी के बारे में पूछेंगे तो साइन सी के सामने जो होगा वो लंब होगा, मतलब ए बी लंब होगा। अगर मैंने क्या पूछ लिया कि साइन ए बराबर, तो ए के सामने क्या है? बी सी, ये आपका लंब हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसको एकदम याद कर लीजिए। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह जब आप लर्न कर लेंगे तो आपको हर चीज समझने में आसानी होगी। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। डियर स्टूडेंट, ख्याल कीजिएगा, एक नया फॉर्मूला ये बनता है कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ओके डियर स्टूडेंट, मैं बार बार एक चीज ये कह रहा हूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री जो मैं पढ़ा रहा हूं आजकल, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं तो इस चीज को थोड़ा केयर तो कीजिए आप लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बाद मैं बता रहा हूं कि हर कोण का कैसे बनाया जाता है। इसके लिए बॉक्स बनाएंगे आप। बॉक्स में सबका क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 0 अंश, 30 अंश,
45 अंश, 60 अंश और 90 अंश होता है। ठीक है, उसको मैं अभी राइट करता हूं। इसको अभी आप तुरंत मतलब एटमॉस लर्न कर लीजिएगा, जिससे आप आसानी से फटाफट हर चीज बता सकें। क्योंकि देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले हैं, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th, चाहे 12th, ये मैथ्स के फार्मूले ये हमेशा काम करते हैं। ये नहीं कि वो चीज बात खत्म तो लेसन खत्म तो बात, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको अगर आप लर्न कर लेंगे ना तो फ्यूचर में भी आपको बड़ा सपोर्ट करता है। मैथ्स के कोई भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, आइए बात करते हैं कैसे। जैसे ये एक बॉक्स बनाते हैं, ये आपका हो गया साइन, ये हो गया आपका कॉस, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा शून्य अंश, ये जीरो, तीस अंश, ये 45 अंश, ये 60 अंश और 90, लास्ट क्या हो जाएगा 90 अंश। चलिए सफिया बताएंगे साइन शून्य अंश का मान कितना होता है, साइन शून्य अंश का मान कितना होता है, जीरो। गुड, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, जोया साइन 60 अंश का मान √3/2, गुड, एंड साइन 90 अंश का वैल्यू क्या होगा, गुड, एंड कॉस, अब देखिए कॉस शून्य अंश का मान देखिए, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये उल्टा आ जाएगा, अपोजिट, ये पहले फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, कैसे कॉस शून्य अंश का मान 1, गुड, एंड कॉस 30 अंश का मान √3/2, एंड 45 अंश का मान 1/√2, एंड कॉस 60 अंश का मान 1/2, 0, एंड 90 अंश का मान कॉस 0, इसके बाद 10 शून्य अंश का मान 0, गुड, 10 30 अंश का मान 1/√3, एंड 45 अंश का मान 1, एंड 60 अंश का मान √3/3, ओके, एंड 90 अंश का मान Not defined. Dear student, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने साइन का लर्न कर लिया, साइन का अगर आप एक बार दिमाग में लर्न करेंगे कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो cos का इसका अपोजिट आएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि tan थीटा का वैल्यू कैसे आप निकालेंगे। अगर आपको साइन लर्न है तो आपको cos लर्न हो जाएगा, और tan कैसे निकालेंगे इसके लिए मैं आपको बताता हूं तरीका। डियर स्टूडेंट, मैं फिर से ये चीज कह रहा हूं आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला मैं बता रहा हूं उसको आप तुरंत लर्न कीजिए, और तुरंत लर्न करेंगे तो बेहतर होता है। कुछ लड़के कहते हैं सर ऐसा है कि सर कल लर्न कर लेंगे, किसी ने कहा परसों, कल परसों कभी होता नहीं है। अगर स्टूडेंट लाइफ में कोई भी वर्क कल के भरोसे मत छोड़िए, अभी लर्न करना है, तुरंत एक बार दो बार रिपीट कर दो तो ऑटोमेटिक आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे अच्छी बात है मैं कुछ स्टूडेंट से बात करता हूँ कि आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप बताइए, तो कुछ स्टूडेंट को फील होता है कि मेरा सर इंसल्ट कर रहा है। ऐसा कोई मैटर नहीं है, आप हमेशा इस चीज को जहन में बैठा लीजिए कि जो चीज आपको स्टैंड करके और डांट के अगर मैंने बता दिया वो लाइफ में आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ओके, आइए चलिए बात करते हैं कैसे आप टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। अभी देखिए मैंने एक फार्मूला यहां पे लिखा है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आइए जैसे हमको निकालना है टेन, इसका वैल्यू निकालना है, टेन शून्य, टेन शून्य अंश का मान क्या होगा, टेन शून्य अंश का मान टेन थीटा बराबर क्या होता है आपने पहले बताया, साइन शून्य अंश बटा कॉस शून्य अंश।
अब साइन की वैल्यू कितनी है सुनिए इसकी, जीरो और कॉस के वन। जब नीचे वन हो डिवाइड किया जाएगा तो इसका मान जीरो जीरो हो जाएगा। देखो हो गया ना। अब इसी हिसाब से टेन तीस अंश का वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा, साइन तीस बटा कॉस तीस। आई साइन तीस अंश का वैल्यू कितना है, वन अपॉन टू, और कॉस तीस अंश का मान अब देखिए क्या होता है इसमें, जब इस तरीके का बटा आता है तो अंदर का अंदर बाहर का बाहर ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देखो, वन मल्टीप्लाई टू अपॉन टू मल्टीप्लाई रूट थ्री, तो ये कट जाएगा बचेगा कितना, वन अपॉन रूट थ्री। देखिए आया ना ये स्टूडेंट, देखिए मैंने शून्य अंश का तीस अंश का बता दिया, अब पैंतालीस अंश का कैसे मान निकालेंगे। देखिए टेन पैंतालीस अंश बराबर होता है साइन पैंतालीस अंश बटा कॉस पैंतालीस अंश। जो है साइन पैंतालीस अंश का मान कितना होगा, साइन पैंतालीस अंश का वन अपॉन अंडर रूट टू, वन अपॉन अंडर रूट टू। और जुनैरा कॉस पैंतालीस का वन अपॉन अंडर रूट टू। ठीक, हमने क्या बताया, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, मतलब क्या हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई रूट टू अपॉन वन मल्टीप्लाई रूट टू। देखिए ये कट जाएगा बचेगा वन, वन के नीचे वन होता कोई वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू वन होता है तो टेन पैंतालीस का समान कितना जाएगा वन। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं टेन सिक्सटी अंश का मान, साइन सिक्सटी अंश बटा कॉस सिक्सटी अंश। तो साइन साठ अंश का मान कितना होगा, तला अंडर रूट थ्री अपॉन टू, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, और कॉस सिक्सटी का मान वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। फिर हमने क्या कहा, अंदर का अंदर बाहर का तो क्या जाएगा, रूट मल्टीप्लाई टू अपॉन टू मल्टीप्लाई वन, कितना बचा आपका रूट थ्री अपॉन वन, मतलब रूट थ्री। डियर स्टूडेंट मैंने कहा था ना कि हर चीज कुछ ना कुछ मैं यूनिक चीज बताता हूँ। अब देखिए ये लास्ट वाले में क्या करना किया जाता है, अंतर क्या होता है, जैसे टेन सिक्सटी नाइन्टी का मान साइन नाइन्टी बटा कॉस 90, ओके साइन 90 का वैल्यू कितना है ये बताएगा, वन और जीरो। अब देखिए जीरो से किसी चीज में अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए इसका नाम इनफिनिट होगा, ठीक है, इन्फिनिटिव लिखा जाता है, ठीक है। और अगर इसके नीचे वन होता तो जीरो हो जाता है। डियर स्टूडेंट फिर से मैं बात समझा रहा हूं, बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर ऊपर वाले को अंश कहते हैं नीचे वाले को हर, अगर हर एक है और अंश जीरो है तब तो जीरो वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अगर हर जीरो है और अंश वन है तो इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या इन्फिनिटी आएगा। ओके स्टूडेंट इस चीज को हमेशा केयर में रख लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट मैं फिर से आपको एक ही बात बता रहा हूं कि जितना फार्मूले लगाने का ट्रिक है उसको आप लर्न कर लीजिए, और जितनी चीजें जैसे लाल बटा कक्का ये वन अपॉन जीरो ये कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए आप हर चीज को एकदम क्लियर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, मैं नया वीडियो बनाकर आपको समझा दिया करूंगा। डियर स्टूडेंट अगर मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते हैं मेरे चैनल का क्या नाम है, मेरे चैनल का क्या नाम है, शाहगंज। ओके इसको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ओके बाय।